Arunachal Highway in Capital Complex, and the ouster of Deputy Commissioner Sri Prince Dhawan. In this regard, we have already submitted a representation to the Honorable Chief Minister. We have also, on the directive of the Honorable Chief Minister, have met the respected Chief Secretary. But still, unfortunately, there is no progress in the demand we have placed regarding the anomalies and for the suspension and ouster of Deputy Commissioner Sri Prince Dhawan. As all of you know, the twin capital needs good road. With good roads, the facade of any town or any locality changes, and even the economic activities of a town or a place changes with the good roads. And since Itanagar, Naharlagan, the twin capital, is the pride of our state, is the first phase of the state, but the tardy progress in the implementation of the Trans Arunachal Highway and the anomalies in the disbursements of compensation in this regard, we have, as I have said earlier, we have placed the demand to the state government. And today, once again, through the press conference, the Arunachal Pradesh Students Union reiterates and demands the state government to immediately act upon the memorandum we have submitted. Our patience is running out. We have been waiting for a long time. And in this regard, we have decided on 15th October, as first phase of our protest, we will be carrying out a peace rally here in the state capital. हम लोग का मानना है 2006 में जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का एक नोटिफिकेशन है विद इन द एरिया में जो टाउन एरिया में 30x30 और जो बाउंड्री जो एरिया है टाउन से तो इसमें जो 40x40 नोटिफिकेशन आया है उसने उसमें जो क्लियर कट है फॉरेस्ट लैंड को और एग्रीकल्चर लैंड को और हॉर्टिकल्चर लैंड को जो भी गवर्नमेंट का जो लैंड है उसको जो कंपनसेट नहीं देना चाहिए वो क्लियर था 16-17 में एक संदीप कुमार दिशिता उसका नोटिफिकेशन भी क्लियर है वो रूल में जाना है और 2017 में हमारे यहाँ डीसी प्रिंस धवन ने उसको जस्ट सुपरसीड करके एक नोटिफिकेशन आया है उसमें सबको कंपनसेशन देना है तो वहाँ पर 30x30 को भी आता कि 12x12 तो ठीक है 12x12 को भी हम लोग मानते हैं लेकिन आज हम एक ग्राफ एक तैयारी किया गया है तो आप यह देख सकते हैं तो मेन जो रोड है जो 8 मीटर होता है बोथ दी साइड 8x8 होता है तो डिवाइडर जो 1 मीटर होता है तो ड्रेन जो है 1.5 तो 8x8 जो है 16 मीटर होता है अगर इसमें डिवाइडर जो 1 मीटर जाता है तो 17 हो रहा है और बोथ दी साइड में 1.5 अगर मीटर जा रहा है तो 3 मीटर 17+3 जो 20 मीटर सिर्फ अभी अरुणाचल के जो अरुणाचल ट्रांस हाईवे जो है सिर्फ 20 मीटर में अभी कैपिटल में बनवाया जा रहा है तो मैंने हम लोगों ने कुछ यहाँ का काम करने वाला कोई पूछा है डीसी कोऑपरेट नहीं करता क्योंकि किसी प्राइवेट आदमी का घर में अगर वो तोड़ना लग जाए झगड़ा हो जाता है इसलिए डीसी को काफ़ी लिख चुका है लेकिन इसने कोऑपरेट नहीं किया इसलिए हम लोगों ने 15 डेज का समय दिया गया था वो ख़त्म हो चुका है और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को भी हम लोग बात किया सीएम को बात किया सीएस को बात किया अब इसलिए हम लोग एक रैली तैयारी किया गया क्योंकि हमको प्रेशर डालना है हमको काम करवाना है ऐसे नहीं बैठ सकता है और अगर किसी को लगता है कि आप शू किसी के खिलाफ में है तो वेलकम है एक डिस्कस पॉइंट में क्योंकि हम लोग किसी का खिलाफ है तो आप आइए डिबेट कीजिए वो हम लोग वेलकम है किसी को भी इसलिए आपसू का मानना है कैपिटल रोड जो है अभी जो आप देख रहा है ख़त्म होने का बाद भी ऐसे होने जा रहा है इसमें कोई आपको स्पेस नहीं मिलने जा रहा है इसलिए यहाँ पे जो है 2 मीटर बोथ दी साइड में 2 मीटर निकलना है 24 चलो 24 में हम लोग मान लेते हैं तो 24 मीटर में से 4 मीटर अभी भी गायब है
चार मित्र का स्पेस नहीं निकल पा रहा है. इसलिए हम लोग जितना भी यहाँ पे कैपिटल में जो भी यहाँ पे रह रहा है सबको मेरा अपील है कि वो रैली डे में सब सपोर्ट करना चाहिए. और हम लोग होप करते हैं कि ये इसके बाद मेरा एक और एक चीज़ है फॉरेस्ट में एग्री में और टी में जितना भी पैसा मिसयूज़ किया गया और जिसको यहाँ में कंपेंसेट दे चुका है उसको अभी घर को नहीं तोड़ रहा है तोड़ना चाहिए. और जितना भी पैसा मिस हुआ रिटर्न करना चाहिए गवर्नमेंट का अकाउंट में वापस आना चाहिए. ये हम लोग बिलीव और हम मानते हैं कि ये इशू को हम लोग थोड़ा सा सेंटीमेंट है इतना रुक चुका है हम लोग अभी रुक नहीं पाएगा. तो जो भी डिसीजन है बंद कॉल होना है कुछ भी होना है और रैली का बाद हम लोग ट्राई करेगा. तो अभी जितना भी यहाँ पे ये गाड़ी चला रहा है कैपिटल में जो भी गाड़ी चला रहा है उसको भी मेरा एक अपील है कि वो दिन में आप एक घंटा के लिए आप पार्टिसिपेट करना चाहिए. ट्विन कैपिटल कॉम्प्लेक्स वासियों के लिए एक एक्साइटिंग खबर क्योंकि MSV ऑटोमोबाइल्स ले आया है महिंद्रा फर्स्ट चॉइस सर्विस सेंटर जो कि खुला है निर्जुली पे जहां पे वाहन चालकों को मिलेगी ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसिंग एंड रिपेयरिंग डेंटिंग एंड पेंटिंग जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स कार वॉशिंग एंड वैक्यूम सर्विस जैसे कई सारे हाईटेक सर्विस फैसिलिटीज. ये सर्विस सेंटर अवेलेबल रहेगा हफ्ते के सात के सातों दिन. तो महिंद्रा कस्टमर्स शुभ काम में देरी क्यों. फर्स्ट चॉइस सर्विस सेंटर में आइए और सेटिस्फाई सर्विस पाइए. महिंद्रा फर्स्ट चॉइस सर्विस सेंटर का एड्रेस है कर्माजुली निर्जुली नियर टू कैथोलिक चर्च और एडवांस बुकिंग फोन नंबर है 07005244173.